नमस्कार मित्रों, चांगा पगार केंद्र प्राथमिक शाळा में आपनु फरीथी स्वागत छे। मित्रों, आपणे फरीथी संख्या रेखा उपर गुणाकार विषय अभ्यास करिए। तो अहीं आ वखते 3 गुण्या माइनस 7 छे। आगळ आपणे चाली गयुं छे के 3 छे, तो अहीं याद राखवानुं के 3 वखत संख्या रेखा उपर खसवुं पड़े। શું કરવું પડે? ખસવું, અથવા સંખ્યા રેખા ઉપર શું થવું પડે? ક્રોસ કરવું પડે, બરાબર। નંબર 2, અહીંયા માઇનસ 7 છે, તો માઇનસ 7 ઉમેરવા પડે। હવે માઇનસ એ ઋણ સંખ્યા છે, તો આપણે કઈ બાજુ ઉમેરવા પડે? ડાબી બાજુ ઉમેરવા પડે। આ બે વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવી, આગળના વિડીયોમાં મેં સરસ રીતે સમજ આપેલી છે। ચલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ। તો मित्रों, शुरुआत क्या थी करवानी? तो शुरुआत हमेशा शून्य थी करवानी। ओके, क्या थी करवानी? शून्य थी। तो शून्य थी आपणे अहींया 3 वखत खसवानुं छे, एटले अहींथी हुं दर्शाई दउं। जो एक वखत, आ बे वखत अने आ 3 वखत। चलो 3 वखत हुं क्रॉस करी, शुं कर्युं? क्रॉस। हवे शून्य थी शुरुआत थाय छे, केटला? माइनस 7। तो अहींया पहेला स्टेपमां शून्य वत्ता माइनस 7, बराबर। तो जवाब केटलो आवशे मित्रों? माइनस 7। तो ए पहेलामां अहींया माइनस 7 आवशे। हवे माइनस 7 में पाछा आपणे फरीथी माइनस 7 उमेरीशुं, बराबर। तो माइनस 7 वत्ता माइनस 7, बराबर। माइनस 7 ओछा माइनस 7, बराबर 7 ने 7 14। तो अहीं केटला आवशे मित्रों? माइनस 14। हवे आगळ, आ 14 में पाछा फरीथी आपणे केटला? माइनस 7 उमेरवा पड़शे। तो माइनस 14 वत्ता माइनस 7, तो ये रीते माइनस 14 ओछा माइनस 7, एटले 7 तो 14, 7 तरी 21। तो अहींया जवाब केटलो आवशे? माइनस 21। तो मित्रों, हवे समझी गया तमे के अहींया आटले सुधी रकम लखी शकाय, बराबर। पछी तमारे अहीं लखवी आगळ तो वधारे संख्या पण लखी शको, पण संख्या रेखा आपणे आवी रीते पण दर्शावी शकीए। तो आनो जवाब कयो मळशे? तो 3 गुण्या माइनस 7 नो जवाब माइनस 21 मळशे। केवी रीते आपणे लखी शकशुं? तो आपणे आवी रीते लखवाना, माइनस 7 वत्ता माइनस 7 वत्ता माइनस 7, 7 दू 14, 7 तरी 21, बराबर। 21 केवा आवशे? माइनस। ओके, तो आवी रीते आ संख्या रेखा उपर आपणे दर्शावी शकीए। तमे आ डायरेक्ट लखो तो पण चाले, कारण के आपणे मूळ शुं छे? संख्या रेखा उपर दर्शावानुं, बराबर। એટલે સીધી આ સંખ્યા રેખા દર્શાવીને એનો જવાબ સીધો માઇનસ 21 લખી શકાય છે, બરાબર। તો તમને આના વિશે અભ્યાસની ખ્યાલ આવ્યો હશે, બીજા દાખલા તમે આવી રીતે પ્રયત્ન કરશો તો તમને આવડશે। ઓકે, આપણે આવતીકાલે ફરીથી મળીશું।